सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग? रमन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोकारो जिला के बारे में। हमने दो जिला ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें कि रांची और जमशेदपुर दो के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। चलिए हम लोग आज बोकारो के बारे में नज़र डालते हैं। देखिए, मेरा जिला वाइज बनाने का मतलब एक ही है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल बहुत अंदर से पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मेरा बनाने का मकसद एक ही है कि क्वेश्चंस छूटे नहीं कोई भी एग्जाम में, तो और इससे पढ़ने में भी आपको इंटरेस्टिंग मिले। मैंने बहुत सारा पिक्चर्स के साथ भी आपको बताने की कोशिश किया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बोकारो जिला जो है 1 अप्रैल 1991 में धनबाद जिले के 2 ब्लॉक और गिरिडीह जिले के 6 ब्लॉक से मिलकर इसकी स्थापना की गई थी। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1991 और धनबाद जिले के 2 ब्लॉक और गिरिडीह जिले के 6 ब्लॉक से मिलकर बना है। और देखिए, बोकारो और दामोदर नदियों के किनारे यह शहर है आपका, और यह भारत का विशालतम लोह और इस्पात संयंत्रों में से एक है। चलिए, जैसा कि ये झारखंड का मैप है तो आप लोग देख सकते हैं कि बोकारो जो है आपका यहाँ पे ये एरिया में है, और इसके आपके जो राइट साइड में देखिए धनबाद है, फिर आपके इसके ऊपर में गिरिडीह है, उसके बाद हजारीबाग है, रामगढ़ है, और आपका देखिए वेस्ट बंगाल की सीमा से ये आपका टच करता है। हाँ, जैसा कि देखिए ये बोकारो का मैप है, और इसमें देखिए आपके 9 ब्लॉक आपके टोटल हैं, जिसमें कि सारे ब्लॉक आपके दिए गए हैं, और इसके साथ ही हम इसके गठन, इसका क्षेत्रफल, जनसंख्या, अनुमंडल, साक्षरता, ये सब सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें कि खनिज आपका होगा, आर्ट कल्चर है, पार्क कौन कौन सा है आपका, नदियाँ कौन कौन सा है, ये सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, इसका मुख्यालय जो है आपका चास के अंतर्गत आता है। गठन जो है 1 अप्रैल 1991, जैसा कि मैंने डिस्कस पहले किया हुआ है। परमंडल जो है ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल है इसका 2883 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या इसका देखिए 20,62,330 है। साक्षरता दर आपका 73.48% है। अनुमंडल जो है, दो अनुमंडल है, चास और बेरमो। आपके प्रखंड जो हैं टोटल 9 प्रखंड है, जिसमें कि आपका देखिए चास है, पैरमो है, गोमियो है, आपका चंदन क्यारी है, जरीडी है, कसमार है, पेटवार है, नावाडी है और चंद्रपुरा है। पंचायत जो है आपका टोटल 249 पंचायत है, और गांव जो है 733 गांव है, और आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखिए यहां पे है, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। चलिए, इसके जो प्रमुख नदियां हैं दामोदर, बोकारो, कोनार और खंजो, आपके चार जो हैं इसके प्रमुख नदियां हैं। इसके अंतर्गत आपके बोकारो जिला के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर हैं, फेमस मंदिर हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत सुंदर मंदिर आपका देखिए ये जगन्नाथ मंदिर है, आपका बोकारो जिले में है, और ये जो है आपका पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पे ये बनाया गया है। श्री श्री कालिका महारानी टेम्पल है आपका, है ये भी बहुत भव्य बना है, ये भी देखने लायक है, बहुत अच्छा मंदिर है। चलिए, राम मंदिर ये भी वहाँ का बहुत फेमस मंदिर है, ये आपका 1967 में ये मंदिर बना है। सेक्टर 5 में आपका काली मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये काली मंदिर सेक्टर 5 में। अयप्पा मंदिर ये भी आपका बहुत ही फेमस मंदिर है, जो कि आपका 11 जुलाई 1983 ईस्वी में बना है, और ये बहुत ही फेमस मंदिर है। लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोम गाड़, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आता है और आ भी सकता है का एग्जाम में। देखिए, ये संथाल समुदाय का फेमस और बहुत पुराना आपका धर्म स्थान है, ये कहाँ पे है? देखिए, आपका जो लुगुबुरु, ये आपका जो टेम्पल है ये गोमिया में है, और ये आपका बोकारो से 75 किलोमीटर दूर में स्थित है। चलिए, बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कौन कौन से पार्क हैं हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए, सिटी पार्क जो कि बोकारो में है, अब बहुत ही फेमस पार्क है, चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं।
यह पार्क जो है आपका सेक्टर 3 में स्थित है। इसमें अप्राकृतिक झील का निर्माण किया गया है और यह पार्क का निर्माण जो है आपका जापानी स्टाइल का जो वहां पे द्वीप है जापान में उसी के आधार पे किया गया है। इसमें 3 द्वीप है उसी के आधार पे यहाँ पे किया गया है निर्माण। फिर आपका जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क है, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1989 में की गई थी और इस पार्क में खूबसूरत वन्य पक्षी एवं पशु भी हैं। और इसके अतिरिक्त आपके जो देखने लायक है वो है सफेद टाइगर, एशियाई शेर और आपका रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावे आपके एक स्टेडियम है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ये स्टेडियम कईयों एग्जाम में पूछा गया है तो ये याद रखिएगा आप लोग। ये देखिए आपके स्टेडियम जो है सेक्टर 4 में है और इसमें बहुत सारे खेल आपके होते रहते हैं। मेनली ये फुटबॉल के लिए ग्राउंड है, इसमें आपके 30,000 बैठने की व्यवस्था है। चलिए हम लोग अब बांध पे डिस्कस करते हैं। चलिए आपका पहला बांध जो है तेनुघाट बांध है। ये जो आपका डैम का खासियत देखिए क्या है कि भारत का सबसे बड़ा ये ऑर्थन डैम है, ये याद रखिएगा। तेनुघाट बांध पे जो है भारत का सबसे बड़ा ऑर्थन डैम है ये। चलिए आगे आपका है क्या गार्ग बांध, जो कि आपका बोकारो से 12 किलोमीटर दूरी पे स्थित है और यह जल संरक्षण का बहुत बड़ा स्रोत है और एक पिकनिक आपका स्पॉट भी बहुत अच्छा है। चलिए और हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि कुछ पर्यटन क्षेत्र जो हैं कुछ कुछ हैं, चलिए हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपका जो कसमार प्रखंड है इसमें आपके पर्यटन के बहुत सारे स्थल हैं, कुछ कुछ स्थल हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपका दुर्गा पहाड़ी, जो कि आपका दुर्गापुर पंचायत पे स्थित है और यह जो है बहुत ही प्राकृतिक खूबसूरत है और धार्मिक सामाजिक मान्यता से भी ये जुड़ा हुआ है। यह चोटी पे पहुंचने के लिए आपको 650 फीट ऊंचा चोटी है, वहां पे पहुंचने के बाद आपको अजीब सगुन मिलता है। चलिए जैसे और भी आपका है, जैसे कि टुंगरी है, आपका हिसिम केदला पहाड़ी भी है और आपका मिरिक्खो, मिरिक्खो के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे श्री राम भगवान का आगमन हुआ था जब वो 14 साल के वनवास पे थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ओर्स और माइन कौन कौन से पाए जाते हैं। चलिए जैसा कि आपका कोल जो है वो सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है, उसके बाद आपका फायर क्ले कहीं कहीं मिलता है, फिर आपका लाइम स्टोन भी कहीं कहीं पाया जाता है, लेकिन कोल जो है सर्वाधिक रूप से पाया जाता है आपका। चलिए अब हम लोग इसके उद्योग जो हैं प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। देखिए इसका एक प्रमुख उद्योग जो है आपका बोकारो स्टील प्लांट। चलिए इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चलिए कुछ कुछ पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए बोकारो इस्पात कारखाना जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना है। यह सोवियत संघ के सहयोग से मतलब रशिया के सहयोग से बना है। 1965 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ और इसमें आपके आरंभ से ही इसे 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पे नियमित कर दिया गया और बाद में इसे सेल के साथ इसका विलय हुआ। पहले यह सेल की एक सहायक कंपनी के बाद सार्वजनिक क्षेत्र लोहा और इस्पात कंपनियां अधिनियम जो है आपका 1978 के अंतर्गत एक यूनिट बनाई गई और कारखाने का निर्माण कार्य जो है आपका 6 अप्रैल 1968 ईस्वी में आरंभ हुआ इसका। और इसके बारे में और एक पॉइंट है, यह कारखाना देश के पहले स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से भी विख्यात है, यह आप लोग याद रखिएगा। फिर आपका गोमिया बारूद कारखाना भी है यहीं पे। चलिए कुछ थर्मल पावर प्लांट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए पहला आपका है बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, जिसके हम लोग की शॉर्ट फॉर्म BTPSP कहते हैं। ये आपका यूनिट है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का एक यूनिट है। इसका आपका जो प्रेजेंट में जो आपका प्रोड्यूस करता है 630 मेगावाट का ये बिजली पैदा करता है और इसका जो प्रत्येक इसका 3 यूनिट है, टोटल 3 यूनिट है इसका, इसमें कि 210 मेगावाट एक हर एक यूनिट से पैदावार होता है। और अभी अभी हाल में ही ये और एक प्लांट सेटअप करने का सोच रहा है एक यूनिट, जो कि आपका 1130 मेगावाट हो जाएगा और यदि ये हो जाता है तो ये झारखंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूस करने वाला पावर प्रोड्यूस करने वाला ये आपका हो जाएगा ये। चलिए और एक बारे में आप लोग जान लीजिए इसका,
ये जो है जब वो स्थापना हुआ था तो उस समय ये लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट एशिया का था। ये आपका स्थापना जो हुआ था ये 1953। चलिए दूसरा आपका है तेनू घाट थर्मल पावर स्टेशन। ये जो आपका ये स्टेशन जो है ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है और आपका ये तेनू घाट विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत इसका आता है। और ये जो आपका स्टेशन है इसका स्टेब्लिश किया गया था 1994-95 में और सेकंड जो यूनिट था ये आपका 1996-97 के बीच में किया गया था। चलिए बोकारो डिस्ट्रिक्ट का कुछ कल्चर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपके हैं सरहुल, कर्मा, सोरहाय, बंदना, टुसू, क्रिसमस, होली, दशहरा आपका सेलिब्रेट, ये सब पर्व आपका सेलिब्रेट होता है। आपका जो लैंग्वेज है ये आपका संथाली लैंग्वेज, मुंडारी, कुरुक लैंग्वेज, खोटा, हिंदी, उर्दू और बंगाली लैंग्वेज इसमें बोला जाता है ये आपका डिस्ट्रिक्ट में। इसके जो पॉपुलर लोक संगीत जो हैं जैसे कि आपका अखरिया, डोमचक, आपका धौराई, फिर आपका जन्नी, उसका झूमर, ये सब आपके जो हैं फोक म्यूजिक हैं। चलिए ये थे हमारे बोकारो डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ जानकारी। आगे और भी जिले के बारे में हम वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।